तुमने हमसे हमारा सब कुछ ले लिया लड़की, अब हमारी बतवा लो। तुमने हमारा घर तोड़ा है, तुम अपना घर कभी नहीं बसा सकोगी, कभी नहीं। देख लिया अरमान ने तुम्हारा साथ दिया तो क्या क्या हो गया। घर वाले सब लड़ रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, सब इल्जाम अरमान पे लगाए जा रहे हैं, पर असली गुनहगार को कोई कुछ कह ही नहीं रहा। इस सब की असली गुनहगार तुम हो। जैसा लगता है दादी सा ने जो कुछ भी कहा वो ऐसा मानती है। मानती है कि अब मैं उनका पोता नहीं रहा, मानती है कि उसे अपने परिवार की अब परवाह नहीं है। वो नहीं मानती दादी सा, इस जिद्दी सा कि वो अपनी बात मनवाने के लिए ये सब बोल गई। वो एक्चुअली ये सारी बातें करके तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल करना चाहती है, क्योंकि वो इनसिक्योर हो रही है, उन्हें डर लग रहा है कि वो तुम्हें खो देंगी। तुमसे बहुत बहुत प्यार करती है अरमान, इसीलिए मुझे छोड़ के जा रही है।